नमस्कार, कैसे हैं आप सब? सो आई होप ये जो इंटरव्यूज का सिलसिला है आप सभी को पसंद आ रहा होगा, एंड हम जाहिर सी बात है और भी इंटरव्यूज लाते रहेंगे। ये वीडियो है एक ऐसे स्टूडेंट के साथ जो पहले से ही कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए थे, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, और उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है। तो उनका मन करा कि वॉइस ओवर भी ट्राई करा जाए, एंड जब से वो सीखने भी आए थे, मैं खुद उनकी आवाज़ बहुत पसंद करता था। उनकी आवाज़ में वो ग्रेन है, वो हैवीनेस, बैरीटोन वॉइस है जो बहुत अच्छी लगती है कानों को। तो जानिए कि कैसा रहा उनका सफ़र और कैसे किस किस तरह का उन्हें काम मिला, अब क्या कर रहे हैं, आगे क्या प्लान्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो मिलते हैं आगे इस वीडियो में उनके साथ। सो हाई, वेलकम एवरी वन हिमांशु वॉइस ओवर चैनल पे, एंड हम लोग एक गेट टुगेदर पे आए हुए हैं। इट्स एन आउटिंग, सारे के सारे, सारे तो नहीं कह सकते बट एक बंच ऑफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। सो इस वीडियो में आई हैव विद मी विजेंदर कंबोज, एंड विजेंदर वॉइस ओवर तो खैर बहुत बेहतरीन करते ही हैं, बट ही इज़ ऑल्सो रनिंग अ प्रोडक्शन कंपनी, ई रेज फिल्म्स। तो विजेंदर, मतलब आपकी, अभी जैसे आप विजेंद्र को सुनेंगे आपकी आवाज़ के कायल तो ज़रूर हो जाएंगे, बट एक दो चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपका ऑलरेडी जैसे एक प्रोडक्शन हाउस था, तो आपने क्यों सोचा यार वॉइस ओवर भी करके देखते हैं? मतलब कुछ स्कोप दिखा इस इंडस्ट्री में वॉइस ओवर की? एक्चुअली क्या होता है कि एक तो आपका बिजनेस होता है और एक आपका पैशन होता है। अच्छा, तो वॉइस ओवर में तो मैं बहुत बाद में आया। पहले मेरा प्रोडक्शन था, पहले मैंने थिएटर किया, उसके बाद मैंने फिल्म मेकिंग का एक कोर्स किया था दिल्ली से, फिर मैंने अपना प्रोडक्शन किया। कुछ साल मैंने अपने शहर में किया, फतेहाबाद में, वहाँ पे 2 साल मैंने किया ग्राउंड लेवल पे, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए ये लगा लो, देन मैंने दिल्ली में किया। सो वॉइस ओवर का क्या है कि अक्सर ये होता है ना कि आपके आसपास वाले या फिर आपको सुनने वाले बोलते हैं कि यार इसमें कुछ खास है, इसकी आवाज़ में कुछ खास है, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा आपको इंस्पिरेशन मिलता है, तो आप सोचते हैं कि हाँ यार अगर इतने सब लोग कह रहे हैं तो कुछ तो होगा, सबको नहीं कहते। सो देन मैंने सोचा कि मुझे वॉइस ओवर करना चाहिए, फिर किसी ने मौका नहीं दिया। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन किसी ने मौका नहीं दिया, फिर मुझे लगा कि क्यों ना खुद के ही प्रोडक्शन में खुद को ही मौका दिया जाए। तो मैंने फिर खुद के ही प्रोडक्शंस जो थे मेरे, उन्हीं में मैंने वॉइस ओवर करना शुरू किया, लोगों ने पसंद करना शुरू किया, फिर उससे मुझे और काम मिलना शुरू हुआ। तो इस तरह से मेरा वॉइस ओवर जो है वो मेरा बिजनेस नहीं था, लेकिन अभी क्या है, बड़ी अच्छी बात है कि अभी मेरा वो बिजनेस बन गया है। अभी मेरा, अगर मैं आज के टाइम में कहूँ तो मैंने वीडियो प्रोडक्शंस को मैं 2 नंबर पे मानता हूँ, 2nd लेवल पे मानता हूँ, और वॉइस ओवर को मैं 1st पे मानता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा है कि वॉइस ओवर का इतना ज़्यादा स्कोप समझ आ रहा है। एक अलग सा क्वेश्चन मैं आपसे लाइक पूछना चाहता हूँ कि रीजनल लैंग्वेज में वॉइस ओवर का क्या स्कोप है? जैसे आप हिंदी में करते हैं एंड आप पंजाबी में करते हैं डेफिनेटली, तो रीजनल लैंग्वेज का काम कैसा है, कितना है, है इंडस्ट्री में, नहीं है, और अगर है तो किन किन रीजनल लैंग्वेजेस में काम ज़्यादा है? देखिए, जहाँ तक लैंग्वेजेस की बात है तो मेरी जो ग्रोथ हुई है, मेरी जो स्टडी हुई है वो गांव में हुई है। बहुत ही छोटा सा स्कूल था, सरकारी स्कूल था, तो आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, 6th क्लास 5वीं तक हमें ABC भी नहीं आती थी। अच्छा। मतलब पढ़ाई नहीं जाती थी। अच्छा। 6ठी क्लास में आके जब बच्चा आता है 6ठी क्लास में, तब हमें ABC सिखाई गई कि ये A है, ये BSc है। तो वो कुछ रीजन्स रहे कि मेरी इंग्लिश तो वैसे ही गई, बिल्कुल पुअर हो गई। तो जो आपकी, जो मेरी घर में जो मातृभाषा जिसे कहते हैं वो है मेरी पंजाबी। और देन मैंने थिएटर किया, शहर में आए, मैं 9th क्लास में मैंने शहर में एडमिशन लिया, तो फिर मेरी हिंदी जो थी वो काफ़ी सुधरी, वहाँ पे थिएटर में आके काफ़ी सुधरी। शब्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया वहाँ पे, क्योंकि लाउड बोलना होता है, लाउड के साथ आपको स्पष्ट बोलना होता है। सो हिंदी और पंजाबी, इन 2 लैंग्वेजेज़ में मैं काम करता हूँ, लेकिन हिंदी में काम करने वाले बहुत ज़्यादा भी हैं दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली में काम करता हूँ ज़्यादा। सो तो काम है, हिंदी में भी काम मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पंजाबी में भी काम मिलता है। एक तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी अच्छी है, जैसा कि आप सुन ही रहे हैं, सो और मेरी पकड़ भी है, मेरी मातृभाषा है, और उसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं आता है। प्रोनंसिएशन जो एरर होता है वो मेरा, क्योंकि मातृभाषा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पंजाबी में काम मुझे ज़्यादा मिलता है।
डेली में, उसका स्कोप मुझे ज़्यादा मिलता है और पंजाबी का डेली में तो मिलता ही है मुझे, ऑनलाइन भी काम मिलता है और ऑनलाइन मुझे बाहर से मिलता है, विदेश से मुझे काम मिलता है, मेल के जरिए, फाइवर के जरिए, काफ़ी सारी साइट्स हैं, या फिर अभी मेरे पास अभी रिसेंटली कल ये काम मैंने किया है, या है मेरे पास voice123 करके कुछ एक, यस उस पर है, तो उस पर कुछ काम आया, तो वो बाहर का ही, वो पंजाबी का ही है, तो बाहर से काम आने वाले सारे काम पंजाबी के हैं, डेली में पंजाबी प्लस हिंदी में काम करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें एक झूठ था कि उन्होंने कहा मैं कल काम करा है, कल कैसे कर सकते, कल तुम यहाँ थे, ठीक है हम फन कर रहे थे, परसों काम करा है इन्होंने। सो पंजाबी मतलब कहने का मतलब ये है कि पंजाबी में भी बहुत काम है, एंड रीजनल लैंग्वेजेस, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में काम है, एंड जाते जाते ये कोई मतलब खास प्रोजेक्ट जो आपने करा हो, शायद टाटा स्काई में के लिए भी करा है, उसके प्रोमोज आते हैं पंजाबी में, सो इट्स अ बिग थिंग, लाइक आपको कहीं भी है, जैसे आप चाहेंगे टाटा स्काई पंजाबी चलाएंगे तो इनकी आवाज़ आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी। सो और कोई प्रोजेक्ट जाता जाता कि यार ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था करने में, एंड दिस इज़ लाइक एक अचीवमेंट जो मैं मानता हूँ? देखिए अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी किए हैं, लेकिन मैंने अभी जैसे मैंने अभी बात की जो मुझे बाहर से भी काम आया था, तो मैंने परसों उसके सैम्पल्स रिकॉर्ड किए थे, और लाइफ में पहली बार मुझे बाहर से जो काम आया है ओनली 175 वर्ड्स का जो मैंने किया है वो 150 $ में किया है। ओह माय गॉड। सो इसे मैं मानता हूँ कि हाँ वाकई ही मेरे आवाज़ की कुछ कद्र है, कि अब मुझे नहीं बोलना पड़ता कि मुझे इतने पैसे चाहिए, सामने वाला बोलता है कि हमारे पास आपके लिए इतना बजट है, कि आप इतने बजट में हमारे लिए काम कर दोगे। सो अभी तक काम बहुत कम में कर रहे थे या कर रहे भी हैं, लेकिन जो अचीवमेंट्स की बात है वो अभी अभी जस्ट मैंने जो मेरा सैंपल अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है बाहर का, कि स्कूल्स के, और वो बड़ी अच्छी बात है कि वो शिकागो का है। अच्छा। जो प्रोजेक्ट है और वहाँ के स्कूल्स के ने बनाया है अपने क्लाइंट्स को, या फिर अपने कुछ फ़ोन वगैरह का कुछ है, कुछ IVR टाइप है, हाँ कुछ IVR टाइप का है, तो वो बाहर ही चलना है, तो उसे मैं मानता हूँ कि वाकई अब कदर होने शुरू हो गई है। चलिए सही बात है, अभी इन्होंने हमें चार्ज नहीं करा, हमें करा होता है ₹1 लाइक $1 पर वर्ड से, तो यहाँ तो हम लुट चुके होते हैं, $1,000 तो बन गए इनके। बट खैर सो ये था कुछ एंगल रिगार्डिंग रीजनल लैंग्वेजेस, एंड आई होप अगर आप इंग्लिश हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज जानते हैं सो यू कैन गेट एन आइडिया कि कितना काम अवेलेबल है। सो थैंक्स अ लॉट विजेंदर, एंड सून दोबारा मुलाकात होगी, कुछ और डिस्कशन करेंगे। ओके सर। ओके बाय। आ जाइए वापस मेरे साथ बात करने के लिए, जाहिर सी बात है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा विजेंद्र से बात करके, एंड अगर आप भी जैसे आपको लगता है कि यस यार मैं भी वॉइस ओवर कर सकता हूँ बट कोई रास्ता नहीं मिल रहा या कुछ पता ही नहीं है कैसे करना है, तो कोई टेंशन नहीं, ये चैनल है आपके साथ, सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। अगर आप वर्कशॉप लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपको नीचे मिल जाएंगी, एंड कुछ भी आपको जानना है अबाउट वॉइस ओवर्स, वॉइस ओवर टिप्स, ईच एंड एवरीथिंग, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी काम है। और आपको एक इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ मेरा, उस पर भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि अपडेट्स आपको सारी मिलती रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में किसी और नए स्टूडेंट्स के साथ, उनकी अपनी कहानी को लेकर। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।